तो नमस्कार, स्वागत है अपनी चैनल हाई मोटिवेटर में। तो जैसा कि आप थंबनेल देख रहे होंगे, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं UPSSC लेखपाल भर्ती के बारे में। तो वीडियो को पूरा देखना और जो भी साथी नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। तो आज की वीडियो में स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले साथियों, हमसे उन अभ्यर्थियों से निवेदन मेरा ये है कि जो अभ्यर्थी अभी भी इस भर्ती में होप लगाए हुए हैं, कि जिनका DV में सिलेक्शन नहीं हुआ है DV के लिए, और उन्हें लग रहा है कि इस भर्ती में जो फर्जीवाड़ा हुआ है उसकी वजह से, ठीक है, कहीं ना कहीं इस भर्ती का री एग्जाम हो जाएगा, इस प्रकार की चीज़ें सोच रहे हैं, तो मैं आपसे सभी से मेरा निवेदन यही है कि अब जो कुछ भी आप सोच रहे हो, ठीक है, वो कुछ भी नहीं होने वाला है इस भर्ती के अंदर। अभी भर्ती पूरी तरीके से फाइनल होने वाली है और बहुत ही जल्द ये भर्ती क्लियर हो जाएगी, ठीक है। अपना यहाँ पर आप समय वेस्ट मत करो। आपने UPSI में देखा होगा, अगर कोई भी भर्ती, देखो कोई भी भर्ती हो, अगर चीज़ें प्रोसेस आगे निकल जाती हैं और फिर आप जो आयोग है उसे भी पता है, अगर एक बार इस प्रकार की चीज़ें होती हैं तो फिर परीक्षा वगैरह बहुत विलंब हो जाता है और कहीं ना कहीं जो छवि खराब होती है आयोग की। तो इसकी वजह से देखो, कुछ भी हुआ हो, ठीक है, अब इसमें हम कुछ नहीं कर सकते और मुझे नहीं लगता है इसमें कोई भी मुद्दा बनाना चाहिए, क्योंकि इसके बारे में ज़्यादा बात करेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। और फिर भी आपको बता दूँ, भर्ती अब रुकने वाली नहीं है। तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं इसकी DB को लेकर और ज्वाइनिंग वगैरह कब तक हो सकती है, इसी पर हम बात करने वाले हैं। तो इस वजह से जितने भी सिलेक्टेड अभ्यर्थी हैं वही इस वीडियो को देखना, ठीक है। तो चाहे PSC के कैंडिडेट हैं, उन पर भी वही जो भी अभ्यर्थी हैं वही वीडियो को देखा करें जो लेखपाल से संबंधित कोई वीडियो आती है। तो सबसे पहले जैसे के बच्चे बहुत सारे पूछ रहे थे, सर DV वगैरह कब तक हो सकते हैं, तो मैंने पहले ही निश्चित कह दिया है कि जून में कोई भी चांस नहीं है। हालांकि नोटिस आ सकता है, मगर जून में कोई भी चांस नहीं है कि DV वगैरह हो जाए, ठीक है। क्योंकि आपको बताया वीडियो का आपका पेपर लगा हुआ है तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि और फिर आपको ये पता है कि DV लगभग 1 से 1.5 महीने चलने वाली है और ये सारी चीज़ें कंफर्म है कि DV आपको आयोग के बाहर ही कराई जाएगी। लगभग 27,000 के समथिंग बच्चे हैं, तो लगभग 1 से 1.5 महीने के अंदर, यानी कि जिस प्रकार से स्लॉट तैयार किया जाएगा, 1,000 बच्चों का किया जाएगा, 700-800 बच्चों का तैयार किया जाएगा, तो उस अनुसार हो जाएगा ये नोटिस वगैरह। उम्मीद है कि जून के महीने में आपको देखने को मिल जाए। अगर आपको बता दूँ, और फिर ये आप जहाँ तक बताऊँ कि जो आपकी भर्ती है, ठीक है, लगभग उम्मीद है कि जो दीपावली से पहले आपको जो वगैरह मिल जाएगी, क्योंकि इसमें कोई अभी अड़चन देखने को नहीं मिलेगी, सारी चीजें क्लियर हो रही हैं। और हालांकि वैसे भी जो कोर्ट वगैरह की जो विड्रॉ की जा रही है, ठीक है, केस डिस्पोज किए जा रहे हैं, तो वो हालांकि उनसे कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला, रिजल्ट वगैरह तो वैसे भी जारी हो गया, मगर इस भर्ती पर कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। अब सबसे ज़्यादा अभ्यर्थी जो कहीं नहीं कि जवाब पूछते हैं कि सर जो DV स्किप अभियान, देखो आपको बता दूँ, सबसे ज़्यादा आपकी भर्ती पर DV स्किप का जो फर्क पड़ने वाला है और इससे कट ऑफ में भी अंतर देखने को मिलेगा। मैं हालांकि पहले भी कह चुका हूँ, अगर ये भर्ती तभी कंप्लीट होती, तभी इसका रिजल्ट आ जाता, तो इसकी कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई होती। और आपको बता दूँ, एक नंबर से काफ़ी बच्चे छूट जाते हैं, आप ये समझो एक नंबर और दो नंबर में सोचते कोई ज़्यादा अंतर नहीं होता है, इससे क्या है बहुत सारे बच्चे छूट जाते हैं। आपको बता दूं तो इससे क्या है, जैसे कि अगर उस समय रिजल्ट आ जाता तो बहुत दिक्कत हो जाती, उस समय कोई भी भर्ती कंप्लीट नहीं हुई थी, चाहे वो किसी भर्ती की बात कर सकते हो, मगर इस समय आकर हम जब खड़े हैं हम लोग, ठीक है, तो काफी भर्तियां कंप्लीट हो चुकी हैं, तो इससे जरूर प्रभाव पड़ेगा। और आप ये देख सकते हो कि बंदरगाह में कितने बच्चे बैठे, कितने में, ठीक है, 7400+ बच्चे ने परीक्षा छोड़ दी थी, ठीक है। तो इस प्रकार की चीजें, तो आप निश्चिंत रहिए और जो DV कट ऑफ है, ठीक है, उम्मीद रखें, ठीक है, आपको हारना नहीं है, ठीक है, अगर मेरा नहीं होगा अच्छी तरीके से DV देना है और उम्मीद है कि तो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे अभ्यर्थी, मैं इस वजह से कह रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी कमेंट करते हैं सर हमारे इतने बढ़ रहे हैं हम DV देने नहीं जाएंगे। देखो आपको बता दूँ, कुछ भी हो सकता है, हमने बहुत सारी भर्तियों में देखा है, ठीक है, जो उनकी जैसे हालांकि जो फिजिकल की कट ऑफ जाती है वही इनकी फाइनल कट ऑफ होती है, ठीक है। तो इस प्रकार की भर्तियाँ होती, देखो जब बच्चे नहीं मिलते हैं उस प्रकार से, तो ये सेम भी कट ऑफ जा सकती है, जरूरी नहीं है कि कट ऑफ को बढ़ाकर ये लगाएं, ठीक है। तो इस प्रकार उम्मीद है कि अगर आप देने जाओगे, ठीक है, तो और फिर भी आपको बता दूँ कट ऑफ में ज़्यादा अंतर देखने को नहीं मिलेगा। अगर कोई सोच रहा है कि 82, 83, 84 और इस प्रकार से 80+ चली जाएगी, 79+ चली जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है, और मेरे हिसाब से 78 के अंडर ही रहने वाली है, ठीक है। तो इतने पर लगवा आप उम्मीद रखिए और आपका DV हुआ है तो आसानी से इसका सत्यापन वगैरह जो कुछ भी अच्छी तरीके से करवाइए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट वगैरह सब कुछ रेडी रखिए, ठीक है। हालांकि इसके बारे में काफ़ी समय ही पहले वीडियो बना चुका हूँ, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, ठीक है। और उम्मीद है कि जो जॉइनिंग वगैरह आपकी दीपावली से पहले हो जाए, और जो भी अभ्यर्थी इसमें सिलेक्शन नहीं हुआ उनका, तो उनसे यही अपील है कि देखो कोई भी आप किसी प्रकार का मुद्दा बनाकर इस भर्ती को, कुछ भी फर्क पड़ने वाला नहीं है, आपका समय ही वेस्ट होगा, तो आप कहीं ना कहीं वीडियो पर फोकस कर सकते, और भी वैकेंसी आपका ऑपरेटर होगा सर, असिस्टेंट ऑपरेटर, ठीक है, हेड ऑपरेटर की भर्ती आई थी उस पर फोकस कर सकते, मगर यहाँ पर आप कुछ भी फायदा नहीं होने वाला है, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया जो आपकी DV है, और वो जुलाई में उम्मीद है कि करा ली जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। और जो DV इसके अभियान चल रहा है इससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा, और इसमें मुझे नहीं लगता किसी भी टीचर ने इसके बारे में नहीं बताया, सभी टीचरों ने यहां पर सहयोग दिया है, ठीक है, चाहे वो किसी भी प्रकार के जो टीचर हों, चाहे SSC वगैरह किसी प्रकार के एग्जाम के लिए तैयारी करा रहे हो, सभी टीचरों ने यहां पर सहयोग दिया है, ठीक है। और कट ऑफ देखो, उम्मीद है कि कट ऑफ ज्यादा अंतर नहीं देखने को मिले, जो कुछ भी है, ठीक है, अगर जैसे कि सभी बच्चे, पहले तो सभी बच्चे जाएंगे जिनके DV में सिलेक्शन हुआ है, ठीक है, और ज्यादा कट ऑफ में
अंतर देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर जनरल वगैरह में थोड़ा बहुत अंतर देखने को मिल सकता है, 70-80 करीब जा सकती है, मगर इंतजार करना होगा जब तक इसका फाइनल नहीं आ जाता। ठीक है, क्योंकि जिस प्रकार से बच्चे, क्योंकि हालांकि आपको बता दूं बहुत सारी वैकेंसी कम्पीट हुई हैं, इस वजह से एक्सपेक्ट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, और मैं आपको बता दूं, और जो पीएच के कैंडिडेट हैं तो आपको बता दूं आपकी कट ऑफ कोई नहीं बता सकता। ठीक है, क्योंकि आपके में सबको बुला लिया गया। मैंने आपको बता दिया है कि जितने के ऊपर वाले बच्चे होंगे, ठीक है, जितने ऊपर वाले बच्चे होंगे सबको बुला लिया जाएगा। हालांकि कुछ सीट वगैरह होंगी वो अलग से चले जाएंगी, मगर आपको बता दूं सभी बच्चों को यहाँ पर, जितने ऊपर वाले बच्चे होंगे, ठीक है, आप जैसे कि आपको बता दूं, ठीक है, अगर जिन्हें जो भी आपकी सीटें, ठीक है, तो उसी अनुसार यहां पर 10 नंबर पर भी हो सकता है, 20 नंबर पर भी हो सकता है, 30 नंबर पर, जिस प्रकार के बच्चे होंगे। ठीक है, तो अभी कुछ नहीं कह सकते, मगर हालांकि है कि ज्यादा इस पर सपने मत सजाइए, क्योंकि जब तक फाइनल सेक्शन नहीं हो जाता है तब तक कुछ भी नहीं कह सकते। और फिर यूपी SSC के अंदर तो यही सारी चीजें बतानी थी। तो ठीक है, तो वीडियो को हम ही रखते हैं। अगर यहां पर कोई भी डाउट रह गया हो, तो काफी समय से बाद वीडियो बना रहा हूं, तो पूछ सकते हो। धन्यवाद।